सो एफएमएस दिल्ली का कैट कटऑफ का बारे में बात करेंगे एंड कोर्स फीस एंड इस बार प्लेसमेंट जैसा हुआ था उसके बाद कैट कटऑफ मतलब डिफरेंट स्टेज में जिसका जिसका एकेडमिक कैट कैटेगरीज डिफरेंट है, जैसे कि ना किसी का बीकॉम ऑनर्स है, कोई बीएससी है, कोई बीबीए है, कोई बीए है, कोई जनरल इंजीनियर मेल है, जनरल इंजीनियर फीमेल है, नॉन इंजीनियर्स मेल फीमेल का टोटल के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ठोकिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो सो फार इन यूट्यूब। तो कैट 23-25 मतलब एमबीए 23-25 बैच का जस्ट रिजल्ट निकल चुका है एफएमएस दिल्ली का। जो कैट 22 में अपियर हुए थे उसको रिजल्ट है एंड कैट 23 में जो अपियर होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसा वीडियो आते रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इंजीनियर मेल, जनरल इंजीनियर मेल बहुत खतरा प्रोफाइल है, इसके लिए आपको 99% नहीं होने से एफएमएस दिल्ली से कॉल नहीं आएगा, ओके मतलब इंटरव्यू के लिए। एंड जनरल इंजीनियर फीमेल का 98 या 98.5 नहीं होने से आपको कॉल नहीं आएगा, ओके क्योंकि फीमेल का 5 मार्क्स ज़्यादा देता है जस्ट जेंडर डाइवर्सिटी के लिए। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड नॉन इंजीनियर्स जैसे कि ना बी कॉम ऑनर्स, BSc, BA, BBA, BHMS, ओके सो ये सब जो नॉन इंजीनियर्स है, नॉन इंजीनियर्स मेल के लिए ऑलमोस्ट 98% चाहिए, नहीं तो आपको कॉल नहीं आएगा। एंड नॉन इंजीनियर्स फीमेल के लिए इट्स वेरीज फ्रॉम 96 to 98, ओके सो 96 से ज़्यादा आपको नॉन इंजीनियर्स को नहीं होने से आपको कॉल नहीं आएगा एफएमएस से। एंड खास करके आपको एससी ओबीसी रिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। रिजर्व कैटेगरी का अगर आप इंजीनियर होंगे तो आपको मोटा मोटी 95 से अबव चाहिए परसेंटाइल, तभी जाके आप शॉर्टलिस्ट होंगे। अगर आप नॉन इंजीनियर होंगे तो आपको 93-94% में आपको शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, मतलब पीआई के लिए। तो उसके बाद फाइनल जो होगा, फाइनल मतलब फाइनल पीआई के इंटरव्यू का परफॉर्मेंस के ऊपर, एंड उसके बाद क्या होगा ना कैट 22 में आप जो स्केल स्कोर किए हो उसका एक तो मार्क्स मतलब क्या है ना, बीआरसी का 40%, क्वान का 30% एंड डीएलआर का 30% टोटल लेके आपको कैट का जो कॉम्पोजिट स्कोर आएगा उसका एक तो परसेंटेज आएगा। 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, देयर इज नो ग्रेजुएशन मार्क्स एंड देयर इज नो वर्क एक्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वर्क एक्स नहीं होने से क्या होता है ना, जिसका जिसका वर्क एक्स नहीं है, जिसका जिसका क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स का मैटर चला आता है उसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द बेसिक परसेंटाइल व्हाट आई टोल्ड इन दिस वीडियो। एंड वन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, पढ़ाई कीजिए नहीं तो मुश्किल है। और एक बात मैं बताता हूँ आपको, एफएमएस दिल्ली का फीस है 2 लाख रुपया, दैट इज 2 लैक्स, 2 साल का एमबीए का है। एंड हाईएस्ट पैकेज गया था इस बार 1.23 करोड़, उसमें 3-4 कैंडिडेट को मिला है। एंड एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 30 to 35 लाख, 30-35 लाख का एवरेज पैकेज है। एंड आपको एक चीज मैं बताता हूँ, जो 10th परसेंटाइल और 25 परसेंटाइल में हो टॉप, उसको 40 से 45 लाख, किसी किसी का 60 लाख का पैकेज भी जा चुका है इस बार। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहाँ पर जाके आप अगर आप मेहनत कर सकते हो, वहाँ पर जाके आप पढ़ाई कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक आपको मतलब प्लेसमेंट अच्छा होगा, आपको क्या होगा ना, आपको ऑटोमेटिक जो पैकेज आपको अच्छा लगेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एमएस दिल्ली इज बेस्ट आर ओआई कॉलेजेस इन इंडिया, बिकॉज 2 लाख फीस है, 1.23 करोड़ आपको पैकेज है, तो दिस इज द थिंग। एंड एवरेज पैकेज 35 लाख, एंड यू विल गेट इफ यू वॉन्ट मोर एंड इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट 40 to 45 लाख फ्रॉम द एफ एम एस दिल्ली। सो पढ़ाई कीजिए, कैट के लिए प्रिपरेशन कीजिए, एम बी ए पी एच चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर बहुत सारा वीडियो यूँ ही आते रहता है, क्योंकि बहुत सारा मतलब क्या ना स्ट्रेटेजिकली वीडियो, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कैट 23 एस्पिरेंट्स। तो क्या होता है ना, आपको ये सब चीज़ जानना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं जानोगे ना आपको बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद और एक चीज़ क्या है, थोड़ा सा फीस एंड आपको जो प्लेसमेंट का जो स्टैटिस्टिक्स है वो वेरिएशन हो सकता है, कोई कोई वीडियो में मैं बताता हूँ, लेकिन क्या है ना दूसरा कॉलेज का, तो लेकिन क्या है ना भाई, एक चीज़ दिमाग में रखो, जो चीज़ मैं बताता हूँ स्ट्रेटेजी एंड दैट परफॉर्मेंस ओवरऑल थिंग्स एंड दैट इज एडमिशन क्राइटेरिया, आपको बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो एफ एम एस दिल्ली का टोटल सीट है 290 एंड जनरल का सीट है 101, सो 1/7 करके आपको इंटरव्यू होता है, मतलब क्या है ना 7 कैंडिडेट से 1 कैंडिडेट सिलेक्ट होता है, 7 कैंडिडेट से 1 कैंडिडेट, 1/7। सो दिस इज द थिंग एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस,
टोटल 300 का कैंडिडेट होंगे तो 2100 शॉर्टलिस्ट होता है, 2100, तो उतना अप्लाई भी करता है, उसके ज़्यादा भी अप्लाई करता है तब जाके 2100 शॉर्टलिस्ट होता है। यू सी द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, चैनल को फॉलो कर लीजिए, ऐसा वीडियो आपके पास आता रहेगा। एंड खास करके मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ याद रखना है, पढ़ाई करना है, इंग्लिश को पढ़ाई करना है, VRC को स्ट्रेस देना है, पैराजम्बल पैरासेमरी ऑड मैन आउट एंड आपको RC उसको स्ट्रेस देना है, क्योंकि बार बार मैं बताता हूँ ऐसा नहीं, पढ़ने से नहीं होगा। एंड क्वांट DLR का भी स्ट्रेस देना है, तो आप जगह फाइनली FMS में कन्वर्ट हो सकता है, आपका ड्रीम कॉलेज FMS है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज थिंग। एंड आपको 200,000 का MBA से आपको फायदा बहुत होने वाला है, क्योंकि 200,000 MBA का करोगे तो आपको 1.23 crore इज द हाईएस्ट टारगेट। वन सेकंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। नहीं देने से आपके साथ मैं नहीं रह पाऊंगा, नोटिफिकेशन आने से आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड वन सेकंड, प्लीज शेयर करो इस वीडियो को, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं बता दिया हूँ आपको कैट कट ऑफ हर सेक्शन का, एकेडमिक कैटेगरी का, इसका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आपके नहीं जानोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू।